हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बालूशाही बनाने जा रहे हैं, जो हर फेस्टिवल और ओकेजन में बनाई जा सकती है। अब देखिए, ये आपको कितनी टेस्टी लग रही होगी ना। और अब देखिए, जब हम इसको तोड़ते हैं तो देखिए अंदर अच्छी तरह चाशनी गई हुई है, तो ये खाने में भी बहुत यम्मी और टेस्टी लगेगी आपको। चलो हम इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमने ये 4 कटोरियाँ मैदा ली है, इतना सा हमने बेकिंग पाउडर लिया है और 1 घी की कटोरी ली है। अब हम इनको अच्छी तरह मिला देते हैं। ये आटा हमने कर लिया है, इसको अच्छी तरह से अभी इसको पानी से हम गूंथ देते हैं। पर इसको इतनी जैसे हम रोटी का गूंथते हैं वैसे नहीं गूंथना है, इसको सिर्फ इकट्ठा करना है। डाल के हम गूंथ रहे हैं। देखिए, ये हमारा लग आटा हमारा लग चुका है। इसको हमने अच्छी तरह से नहीं लग रोटी बनाते हैं ना वैसे नहीं लगाया, देखो इसको मुलायम तरीके से वैसे इसमें शेप आ रही है। तो हम इसको 15-20 मिनट के लिए अब रख देते हैं और तब तक हम इस चाशनी बनाना शुरू करते हैं। चाशनी के लिए हम देखो जितना हमने ना मैदा लिया था ना उससे आधा पानी हम डाल देते हैं। हमने 4 कटोरी मैदा ही ली थी तो हम 2 कटोरी इसमें पानी डाल देते हैं। जितनी हमने मैदा ली थी ना उतनी तो हम चीनी लेते हैं और उससे आधा हम पानी लेते हैं। हम इसको चला देते हैं, बिन नीचे चिपके नहीं ये चीनी। देखिए, चाशनी हमारी बन चुकी है। इसके ट्राई करने के लिए हम आखिरी जो तार निकलता है ना उसमें से उसे पता चल जाता है भाई हमारी चाशनी बन चुकी है। इलायची पाउडर डाल देते हैं और ये हमने थोड़ा सा केसर भिगो के रखा था वो डाल देते हैं। अब हम इसको चलाते हैं और अब गैस को बंद कर देते हैं। अब हम इसको बंद करते हैं, रख देते हैं कि हमारी चाशनी ज़्यादा ठंडी ना हो जाए। ये आटा हमारा सॉफ्ट हो चुका है, अब हम इसको कर लेते हैं। हम इसके टुकड़े कर लेते हैं जितना हाथ में आए और हम इसको ऐसे ऐसे कर लेते हैं। अब हम इसकी जितनी बड़ी आप बनाना चाहते हो ना बालूशाही उतने ही इसके पीस कर लीजिए, छोटे या बड़े। देखिए, हम ये बनाना शुरू कर रहे हैं। इस हिसाब से हम इसको बना लेते हैं। हमने घी चढ़ा दिया था, अब हम देखते हैं ये हो चुके हैं क्या। ये घी हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसमें धीरे धीरे ना ये बालूशाही डाल देते हैं। इसमें हमने ये बालूशाही डाल दी है। अब इस ना गैस को एकदम कम रखेंगे क्योंकि अगर ये तेज रहेगी ना तो ये अंदर से तो सिक नहीं पाएगी बालूशाही और बाहर से सिक जाएगी, इसलिए इसको कम कर देते हैं। और जब ये सिक जाएगी बालूशाही तो अपने आप ही ऊपर आ जाएगी। देखिए, ये हमारी ऊपर आ चुकी है। अब हम गैस थोड़ा सा तेज कर देते हैं कि ये ब्राउन होने तक सिक जाए। अब हम इसको उथल देते हैं, पलट देते हैं मतलब। देखिए, ये हमारी बाप बन के तैयार हो चुकी है। अब हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। अब हम इसको डायरेक्ट चाशनी में डाल देते हैं। देखिए, ये हमने अब चाशनी में डाल दिए और हमने अब गैस को कम बंद कर दिया है क्योंकि हम 2-3 मिनट के लिए बंद कर देंगे क्योंकि आँच बहुत तेज थी। और अब बालूशाही डालने के लिए इसको बंद कर दिए। अब हम 2-3 मिनट बाद में चालू करेंगे और बालूशाही इसमें डाल देंगे। देखिए, हम और जो बालूशाही थी ना वो इसमें अब डाल देते हैं। देखिए, हमने इसमें ये डाल दिया बालूशाही, हमने गैस कम कर रखी है। हमारी अब रेडी हो चुकी है
अब अभी किसी बर्तन में इसको निकाल देते हैं। देखिए ये बालूशाही हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम जो कढ़ाई में उनको चाशनी में डाल देते हैं। देखिए फ्रेंड्स ये हमारा बन चुका है। अब हम इसको ड्राई फ्रूट से कर देते हैं और हम इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर भी डाल देते हैं जिससे ये और भी टेस्टी हो जाएगा और इसकी खुशबू बहुत तेज आएगी क्योंकि इलायची की बहुत तेज खुशबू आती है। देखिए फ्रेंड्स अगर ये आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो इसको घर पर ट्राई करना क्योंकि अब दिवाली का त्यौहार आ रहा है। और अगर ये रेसिपी आपको पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट्स करना और इसे शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद।